मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार, एक बार फिर हम मौजूद हैं हिम अकेडमी में। हिम अकेडमी के पिछले बैंड फंक्शन को हमने कवर किया था और एक बार फिर हम हैं हिम अकेडमी के एक और बैंड फंक्शन को कवर करने। स्कूल की शुरुआत हुई थी 30 विद्यार्थियों से और आज हिम अकेडमी के 2 विद्यालय हैं और हर एक विद्यालय में 1000 से अधिक छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। हम इस बैंड फंक्शन की कुछ झांकियां आप तक लाएंगे। एक बैंड फंक्शन एक समय होता है स्कूल की उपलब्धियों को देखने का, गिनने का, और वही हम आपको दिखाएंगे आज। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, आगाज़ हो चुका है बैंड फंक्शन नंबर 4 का हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर का। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ टीचर्स और कुछ बच्चे पेरेंट्स का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। बेटा, व्हाट्स योर गुड नेम? पारस। ओके मैम। ख्याति। ओके। एंड मैम? शिखा जी। तिलक के साथ आप वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी। जी, और क्या लगता है आपको अपनी संस्कृति से ये चीज़ जोड़ती है? यस मैम, हमारे घर पे जब भी कोई आता है तो वी वेलकम देम लाइक दैट ओनली, तो इसलिए। अतिथि देवो भवा, राइट। कुछ पेरेंट्स पहुंच चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर आपका नाम बताएं प्लीज। मेरा नाम मैम दिग्विजय सिंह राणा है। जी मैम। ज्योति राणा। कौन सी क्लास में है आपका मैम? बेटा 6th क्लास में है। 6th क्लास में। ओके, तो क्या उम्मीद लेकर आए हैं आज, क्या परफॉर्म कर रहा है आपका बेटा? मैम एक्चुअली क्या था ना, जैसे बीच में कोविड पीरियड था 2 साल, तो फंक्शन नहीं हो पाया। मतलब एक आई थिंक 2 ईयर्स बैक में आया था यहाँ पे जी। तो अच्छा मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ था सब कुछ, मतलब अच्छा था। तो मतलब होपफुली आज भी मतलब अच्छा होगा और बेटा भी बहुत एक्साइटेड है। जी एक्साइटेड है। तो सुबह जब वो स्कूल के लिए प्रिपेयर हो रहा था मैम, तो उसका एनर्जी लेवल, उसका कॉन्फिडेंस कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो अच्छे से कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करेगा? यस बिल्कुल। और जैसे ये कल्चरल इवेंट्स जो हैं वो स्कूल को ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए। बिल्कुल करते रहने। कौन सी स्किल्स बच्चे सीखते हैं इनमें, क्या लगता है आपको? इसमें देखो, एक तो जब कल्चरल ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो एक तो आपस में कहते कैसे इंटरेक्शन करना, राइट। फिर कम्युनिकेशन उनका इम्प्रूव होता है, फिर स्टेज फियर उनका जो है वो रिड्यूस होता है, राइट। जो सबसे बड़ी बात है, और स्टेज पे कैसे परफॉर्म करना, लोगों के सामने कैसे परफॉर्म करना है ना, तो ये सारी चीजें फ्यूचर में भी, फ्यूचर में भी काम आता है। फ्यूचर में भी। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे। साथ अभी एक पेरेंट खड़े हैं, और जानते हैं इनका नाम और इनका बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है? जी मेरा नाम शांकी ठुकराल है जी, और बच्चे का नाम श्रेय ठुकराल है जी, और सेकंड क्लास में। ओके मैम, व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम रितु ठुकराल है जी। आज बच्चे का फंक्शन आप देखने आए हैं, तो जैसे बच्चे को एक्साइटमेंट थी वैसे आपको भी है? जी बिल्कुल। अच्छा सर, आप जैसे हिमाचली परिधान में आए हैं वैसे, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आज फंक्शन में? जी बिल्कुल जी। जैसे आपने बताया कि हिमाचली ड्रेस में पहन के आए हैं, तो मेरा यही मानना है कि जो हमारा कल्चर है वो हमेशा साथ में रहना चाहिए। जी, जी, तो हम भी वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल्स में भी ये जो है कल्चर जो वो कैरी बना रहना चाहिए। व्हाट इज योर गुड नेम? मोनिका जी। अंजलि शर्मा जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल में आपका। कौन सी क्लास में पढ़ता है बच्चा? 6th क्लास में। संचित ठाकुर। संचित ठाकुर जी मैम। 6th आराध्या शर्मा। ओके। है कि डांस बच्चा कर रहा है, तो इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में? यस मैम, जरूरी है, बहुत जरूरी है। Yes, तो क्या क्या फायदे रहते हैं मैम? बच्चा कॉन्फिडेंट होता जी, है जी, और साथ में वो फिजिकली फिट भी रहता है। और तो हम हैं चेयरमैन हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर, प्रोफेसर आरसी लखनपाल, तो इनसे बात करेंगे। सर हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, देश के अग्रणी स्कूलों में से एक है। तो हम जानना चाहेंगे डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में। डिजिटल सिटीजनशिप का मतलब यह है कि जो बच्चा है उसको हम ये सिखाएंगे कि डिजिटल आइटम्स का यूज़ कैसे करना है, बेस्ट यूज़ कैसे करना है। अदरवाइज लोग ये कह रहे हैं कि मोबाइल बच्चा यूज़ ना करे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मोबाइल यूज़ ही करना पड़ेगा, मोबाइल के यूज़ के बगैर बच्चा नहीं रह सकता जी। और दूसरे डिजिटल सिटीजन डिजिटल आइटम्स हैं, लैपटॉप एक्सेट्रा भी यूज़ करना पड़ेगा बच्चे को जी, जी। इसलिए हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि हाउ टू यूज़ दीज आइटम्स। ओके सर। एंड पेरेंट्स आल्सो नीड टू बी एजुकेटेड हाउ टू यूज दीज आइटम्स। जी सर। दैट विल बी अंडर डिजिटल सिटीजनशिप। ओके सर। वी कांट लिव विदाउट टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी जो है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ, तो स्कूल इसके ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। चलिए सर, दूसरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में, किस तरह से और क्या स्किल्स आप बच्चे के अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं? लॉन्ग लिस्ट ऑफ
21st century ओके सर लाइक फोर्सेस जी दिस इज लॉन्ग लिस्ट द स्कूल विल टेक डेलिबरेट एफर्ट्स टू एजुकेट द चिल्ड्रन रिगार्डिंग दोज एक्टिविटीज जी सर दोज स्किल्स सो वी विल बी टेकिंग स्टेप फॉर एग्जांपल से रीजनिंग हाउ टू रीजन आउट how to debate, how to discuss, okay. all these things will be told to the students. जी सर क्रिटिकल थिंकिंग कोलैबोरेशन वो सारी चीज़ें आप बच्चे में डेवलप करते हैं जी सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी स्कूल जाना जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए और यहाँ पे बच्चे को एम्फोसिस किया जाता है स्पोकन इंग्लिश एनवायरनमेंट दिया जाता है तो सर इसके ऊपर प्लीज़ कुछ शब्द कहिए अभी तक हम टीच कर रहे हैं इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जी अब हम इस सेशन नए सेशन से पढ़ाना शुरू करेंगे इंग्लिश को एज स्किल दैट मीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स इन द माइंड ऑफ द टीचर विल बी हाउ टू से रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग जी मे बी विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन दीज फोर स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज इन हिंदी ओके सर फाइन सर सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि जब हम कंपैरिजन करते हैं हिम एकेडमी का बच्चा और किसी और स्कूल का बच्चा तो आप अपने बच्चे को कहाँ पाते हैं सर I find my children to be at a better place as compared to other students. जी क्योंकि स्कूल देश में कहीं पीछे नहीं है और हम देखते हैं कि कोई भी स्कीम जब देश में आती है तो हिम एकेडमी पब्लिक स्कूल पहला स्कूल होता है सर जहाँ पे आप कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट करती है तो सर ये कैसे Yes, we keep ourselves aware of what is happening in the country. Yes. For example, national education policy has been announced by the government and we will be taking steps to implement it from the next session very completely. Okay, sir. जी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिनका उत्तर हम जानना चाहते थे थैंक यू सो मच सर यू स्पेंड वैल्यूएबल टाइम विद अस थैंक यू सो मच हमारे साथ हैं अब चेयरपर्सन मैम मिसेस सीपी लखनपाल इनसे बात करेंगे मैम स्किल्स की बात करते हैं हिम एकेडमी का बच्चा हर तरह से स्किल्ड होना चाहिए तो थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज़ सबसे पहले जब बच्चा जैसे हमारे स्कूल में आता है छोटा चाहे वो नर्सरी का है उसकी लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल रीडिंग एंड राइटिंग हम इस पे स्ट्रेस देते हैं तो फर्स्ट फंडामेंटल तो यही है स्किल की दैट्स ऑल जी 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 मैम और आप ये बताइए कि जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये कहाँ तक ज़रूरी हैं करिकुलर के साथ साथ क्योंकि हम देखते हैं अक्सर स्कूल में बड़ा सारा कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा होता है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता तो मैम काम तो यही आएगा ना लीडरशिप क्वालिटीज़ हम सिखा रहे हैं तो काम तो यही आने वाली है दीज आर लाइफ स्किल्स अगर आप देखें तो दीज आर लाइफ स्किल्स और 21st century की जो स्किल्स NEP में लिखी हैं वही तो हैं ये जी. तो उन्हीं को हम दोहराए जा रहे हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट हाँ बिल्कुल 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 बच्चा देखो कहीं भी जाएगा कम से कम वो लीडर बन के अपना काम तो कर लेगा ठीक है थैंक यू मैम वैल्यूएबल टाइम इज स्पेंड विद अस थैंक यू सो मच तो मिलते हैं बच्चों के साथ बेटा व्हाट्स योर नेम अर्णव राणा कृदे चौधरी अक्षय ठाकुर मैम अर्णव ठाकुर व्हाट्स योर नेम हफाय ओके सात्विक शर्मा यस मृदुल राव ओके सो व्हाट यू हैव परफॉर्म टुडे पैट्रियोटिक डांस आप क्या संदेश देना चाहते थे अपने मैसेज के इसके साथ देशभक्ति जगाना चाहते थे स्कूल का है ये भरसक प्रयास हर बच्चा है यहाँ खास हम देख पा रहे हैं कि बच्चे पूरी एनर्जी के साथ जुटे हैं प्रैक्टिस में और बहुत ही एक्साइटमेंट है हर बच्चे के चेहरे पे यहाँ पे हम इस रूम में देखते हैं कुछ बच्चियाँ प्रैक्टिस कर रही हैं ये कौन सी क्लास है सिक्स्थ बी और डांस कौन सा है फार्मर्स अच्छा फार्मर्स के लिए रैली आप रिस्पेक्ट देती हो yes, और डांस किसने प्रिपेयर किया मैम हिमानी मैम ओके हमारे साथ कक्षा छठी की कुछ बच्चियां हैं और बहुत ही सुंदर सी ड्रेसेस में ये सजी हुई हैं और बात करते हैं इनसे कौन सा डांस है सोशल मीडिया अवेयरनेस दैट्स वंडरफुल सोशल मीडिया अवेयरनेस तो क्या बताएंगी आप क्या ऑडियंस को आप मैसेज देंगे इस डांस के जरिए Let's use social media. Okay. We are using the social media, but social media is using us. Wow, very good. And ma'am, we should use social media like less, in less amount.
because it is dangerous for our eyes also. Okay. Social media is a good medium, but its addiction is very bad. Okay. मतलब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। अगर फायदे लेने चाहेंगे तो फायदे मिलेंगे, नुकसान लेने चाहेंगे तो नुकसान। तो अभी अभी हम एक बहुत ही अद्भुत शो देखकर आ रहे हैं जो कि था महाभारत। महाभारत और विच क्लास इज दिस? 10th। और बच्चों ने सबको रुला दिया, पूरी ऑडियंस को ये रुला दिया और इसकी विटनेस तो मैं खुद हूँ कि मैं भी बहुत रोई एक्ट देख के। किसने आपको प्रिपेयर करवाया था ये? हिमालया। और कितने दिनों का टाइम था आपके पास? अप्रोक्सीमेटली 3 months, 2 months। ओके, सो विद इन 2 months यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर दिस एक्ट। आई मस्ट से दिस वॉज मार्वलस परफॉर्मेंस। थैंक यू। सो सबसे पहले तो बच्चों से पूछना चाहेंगे कि क्या मैसेज आप देना चाहते थे इस एक्ट से? मैसेज बेसिकली और कुछ नहीं था, ये था कि मतलब महाभारत का जो युद्ध हुआ बेसिकली उस एक चौसर के खेल की वजह से कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एक हो गया भाइयों के बीच में, जो कि मतलब ये लीड करता है कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ के पीछे, लालच के पीछे जो लड़ाई हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लालच और फिर लालच से झगड़ा, झगड़े से मृत्यु। स्त्रियों के सम्मान के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अर्जुन से? एक कोड भी था हमारे एक्ट की ड्यूरिंग कि जब भी स्त्रियों का सम्मान गिरता है तब तब जो अपराधी हैं उनके साथ बुरा होता है, तो ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने एक्ट के थ्रू कन्वे किया। जी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने अपने एक्ट के थ्रू दिया। और जानते हैं इनके डांस टीचर के से कि वो क्या सोचती हैं इस बारे में और उनकी क्या राय है इसके बारे में, उनके पीछे का मकसद क्या था ये डांस करवाने का? जी मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। माई नेम इज़ हिमानी ठाकुर एंड मेरा महाभारत करवाने का कॉन्सेप्ट यही था कि मैं चाहती थी कि बच्चों को, जो बच्चे इन सारी धार्मिक चीज़ों को नहीं देखते टेलीविज़न में, आई नो वो वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, तो मेरा एक सिंपल मोटिव था कि मैं अपने एक एक्ट के थ्रू, एक करिकुलम का पार्ट, एक डांस के थ्रू प्रेजेंट करूँ स्त्री के सम्मान के ऊपर जब भी आता है तो किस तरह से ये जो हमारा धर्म है वो किस तरह से करवट बदलता है, किस तरह से भगवान मतलब आते हैं, किसी न किसी रूप में वो आ ही जाते हैं। गुड नेम? सुमन कांत। जी सर, कौन सी क्लास में है बच्चा आपका? सेकंड बी में। सेकंड परफॉर्मेंस देखी सर, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जी हाँ जी। और बच्चे का कॉन्फिडेंस कैसा था? कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा था बच्चे का। जी अच्छा। एनर्जी लेवल? एनर्जी लेवल बहुत अच्छा। जी, और आपको लगा कि बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है पहले के अगर कंपैरिजन करें हम तो? बिल्कुल जब कोविड का पीरियड में थे तो उस टाइम बच्चा जो था वो अपने इंट्रोवर्ट या घर में रहता था, तो स्कूल आने से काफ़ी एक्सपोजर मिला बच्चे में, जो है काफ़ी पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट है अभी वो, काफ़ी कॉन्फिडेंस और मतलब बच्चों के साथ घूम मिल के। जी, वैल्यूज़ के लिए क्या कहेंगे सर? जैसे वैल्यूज़ हम सिखाते हैं, स्कूल सिखाता है, तो उसके लिए कुछ कहिए। स्कूल का ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो सेवा वाला जो इन्होंने शुरू स्टार्ट किया कंसेप्ट, तो बच्चा जो है वो स्कूल में काफ़ी चीज़, क्योंकि एकेडमिक्स तो बाकी स्कूलों में भी करवाया जाता है, बट जो मॉरल वैल्यूज़ जो हैं पढ़ाई के साथ साथ वो भी इम्पोर्टेंट, इक्वली इम्पोर्टेंट है, तो इस मामले में जो है वो हेल्प्स इज डूइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ जी, जी। चलिए सर, आपने टाइम दिया, हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम हैं स्कूल के रजिस्ट्रार के साथ, मिस्टर रमन सर के साथ, तो करते हैं इनसे बातचीत। सर, जैसे कि चौथा फंक्शन है स्कूल का, तो कितना आप अपने आप को हेक्टिक आपने पाया, कितना मेहनत और कितना टाइम लगा सर ये सब तैयार करने में? स्टाफ और बच्चों की एथिसिज्म के बारे में देखा जाए, उनका इंटरेस्ट देखा जाए और बाकी चीज़ें ओवरऑल देखा जाए तो थकान होती ही नहीं है। जैसे ही प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है तो उतना ही एक और करने के लिए मन करता है और नेचुरली थकान नहीं होते, थकान नहीं होती। आप ऐसा नहीं सोचे कि थकान होती है तो आप काम कर ही नहीं पाएंगे। जी सर, जी सर। तो ये जो बच्चों का प्रोत्साहन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो इसमें से बहुत अच्छा लगता है और थकान अपने आप चली जाती है। बहुत ही अच्छे शब्द आपने कहे कि जब हम एंजॉय करते हैं तो थकान नहीं होती है। और सर, आप रजिस्ट्रार होने के साथ साथ आप अभिभावक भी हैं, आपकी बच्ची इसी स्कूल में पढ़ती है? इसी स्कूल में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती है। तो बीइंग पेरेंट भी आपने फंक्शन देखा होगा? हाँ, बहुत एंजॉय किया। ड्यूटी का ही पार्ट था लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहता है कि मेरे बच्चे की भी परफॉर्मेंस है। तो सर, स्कूल की जो एफर्ट रहते हैं कि हर बच्चे को आगे लाया जाए, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं वही कह रहा हूँ, हर एक पेरेंट अपने बच्चे को देखना चाहता है। जी। उसका जो एटीट्यूड है, जो भी उसकी अपने अंदर प्रतिभा है, उसको देखना चाहता है। स्टेज हर एक बच्चे को यहाँ पे आपको स्टेज प्रोवाइड किया जाता है,
तो स्टेज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, और भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन मिलती है, तो ये बच्चे के आगे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। में से कितने मार्क्स मिले फंक्शन को? 101 देना चाहूंगा मैं। ओह माय गॉड, दैट्स वंडरफुल। 100 क्यों देने, 100 क्यों देने? जी जी, अच्छा 100 में से 101 जी। चलिए, थैंक यू सर। Now we got opportunity to meet our worthy chief guest of today's event, District and Session Judge Mr. Vikas Bharadwaj. Sir, you witnessed so many performances today. What will you say about the energy level of the students? The energy level was something beyond I expected. As I said in my address also, the children, they braved the cold despite their being in bare feet since morning. The level of performance, it is not less than it can put to shame any professional, and with the exactitude which they have performed, it shows the months, not only days but months of hard work and months of mentoring which they have undergone from the learned teachers, the worthy teachers and the other staff which might have put their flesh and blood into it. And they have toiled hard. Looks like I am enthralled. Exotic performance. Okay. सर, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आज हमने महाभारत देखा, तो महाभारत में हमें एक संदेश मिला औरत के सम्मान के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, अपने विचार दीजिए प्लीज़। जी, औरत का सम्मान ये बात करने का विषय नहीं है। आदमी जब पैदा होता है तब एक औरत की कोख से जन्म लेता है, तो वो पैदा होने के साथ औरत का सम्मान जो है वो उसके साथ खून की तरह बहना चाहिए। औरत का सम्मान सिर्फ नारे और ये इसमें सीमित नहीं रहना चाहिए, ना ही वो किसी एक्ट का मोहताज होना चाहिए। जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम सांस लेते हैं, उस तरह से नारी का सम्मान हमारे दिनचर्या, और इट शुड बी अ पार्ट ऑफ व्हाट वी आर, नॉट एक्चुअली विच वी इनकलकेट इन योरसेल्फ। ये नहीं है कि हमें सिखाना पड़ेगा किसी को, हम कहते हैं बच्चों को सिखाना चाहिए। वो एक ऐसा, ये एक ऐसा जज्बा है, नारी का सम्मान जो है वो ही, जिस जगह पे नारी का सम्मान होता है, वो बताया भी उन्होंने एक बहुत अच्छे एक पंक्तियों के ज़रिए कि जहाँ नारी का सम्मान है वहाँ देवता बसते हैं, और ये गलत बात नहीं है। जहाँ भी नारी का सम्मान हुआ है वो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आई है, समृद्धि आई है। हम कोशिश करते हैं, हम में से हर एक जहाँ पे भी कहीं इस चीज़ का उल्लंघन हो रहा है, तो खासतौर पे बिलोंगिंग टू द जुडिशरी, आई कैन से दैट वी आर डूइंग अवर बिट। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जो नारी सशक्तिकरण के जो कानून हैं उनको और सख्ती से लागू किया जाए, ताकि जो कुछ अपवाद हैं कुछ लोग इसमें, उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में ला के, मुख्य धारा में ला के ये समझाया जाए कि नारी का सम्मान करना अगर उनको आएगा नहीं तो सिखाया जाएगा। सर, any message you want to give to the parents as well as to the students of Hem Academy Public School? Message I think I have given in more than ample words today. I'll only reiterate that respect your teachers, respect your parents, and don't indulge in any such activities which prevent you from being a good citizen of the nation. Only in one line, they should strive to be a good child to their parents, a good pupil to the teachers, and above all, a good citizen to the nation, which is the need of the hour today. Sir, it's proud to meet you, and you spare your precious time with us. Thank you so much for that. So here we have the spouse of our worthy chief guest, Mrs. Bharadwaj. Sabha ki shaan rahi aaj. Aur aaj aapne function dekha. Pehle to function ke liye do shabd kahiye. Function bahut hi acha tha, beyond my expectation. Aur sabko Hem Academy Public School mein bachchon ko saath leke chale hain. और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी उसमें, टीचर्स की ब्लेसिंग्स थी, और सच में मार्वलस था। मैं सच में बोलूँगी, ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था, रियल में बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस था ये। थैंक यू सो मच। ओके मैम, एक एक आइटम्स आपने देखी मैम। सोशल मीडिया का एक एक्ट था हमारा, तो सोशल मीडिया और बच्चों के लिए भी आप एक कुछ एक शब्द कहिए, क्योंकि बच्चे हम लोगों ने ही इंडल्ज किए थे ऑनलाइन क्लासेस के चलते, अब हमारी किस तरह से ये ड्यूटी है कि हम अब उनको थोड़ा सा गैप दें सोशल मीडिया का मैसेज रियल में बहुत ही अच्छा था। जब कोविड पैंडमिक टाइम था, उस समय बच्चों में देख रही थी, टीचर के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो बहुत बच्चे लैग कर रहे थे मैनर्स में, और जो
टीचर्स के साथ इंट्रैक्शन होती है तो बच्चों में क्वालिटी दोनों साइड से बहुत अच्छी होती है, आप एजुकेशन वाइज को बोलो, मैनर्स वाइज को बोलो, तो रियल में वो मैसेज कन्वे बहुत ही अच्छा बच्चों ने किया था। थैंक यू जी। और मैम एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, फंक्शन के लिए आप 100 में से कितने मार्क्स देना चाहेंगे? मैं 100 में से 101 देना चाहूंगी इस फंक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मीडिया पर्संस। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, यू रियली स्पेयर्ड वैल्यूएबल टाइम फॉर वी पीपल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। है स्कूल के प्रिंसिपल इंजीनियर नैना लखन पाल जी के साथ, उनसे बातचीत करते हैं। कुल मिलाकर ये था 7वां फंक्शन, तीसरा हीरानगर स्कूल का और चौथा विकास नगर स्कूल का, इसके बारे में क्या कहेंगी? ये एक बहुत ही ह्यूज इवेंट था जो कि दोनों स्कूलों ने, एक स्कूल ने अकम्प्लिश कर लिया है, दूसरे का जो वो आफ्टरनून में अकम्प्लिश होने वाला है। लगभग 1,000-1,500 बच्चों की इसमें पार्टिसिपेशन रही और मे बी मोर देन दैट। ये एक वाकई में एक माइलस्टोन था जो कि कोविड के बाद स्कूल ने बहुत अच्छी तरह से जो है वो सक्सेसफुल तरीके से जो है वो अकम्प्लिश किया। जी, तो मैम कहीं से एंथुसियाज्म में कोई कमी नहीं पाई गई? नहीं, एंथुसियाज्म में कोई कमी नहीं थी। इस बार पेरेंट्स भी बहुत वेट कर रहे थे, कोविड के बाद काफ़ी टाइम बाद ये फंक्शन होने वाला था, पेरेंट्स भी ईगरली वेट कर रहे थे अपने बच्चों को स्टेज पे देखने के लिए और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत कर रखी थी इस शो को पुटअप करने के लिए। सो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो ये सारा संभव हो पाया एंड इन फ्यूचर टू वी विल बी कमिंग अप विद सच मोर ग्रेट शोज। मैम लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क कि बच्चों की परफॉर्मेंसेज हमने देखी, हम तो दंग के दंग रह गए, तो बच्चों के एनर्जी लेवल के लिए आप क्या कहेंगी? मेहनत जो है, परफॉर्मर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ही थे, बहुत ही मेहनत की और एज़ यूजुअल जैसे जो स्टूडेंट है हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल का वो हमेशा से ही बहुत मेहनती रहा है। दो स्टाफ जो है वो उनका भी जो भरसक प्रयास रहता है, अथक परिश्रम रहता है इसके लिए, तो ये जो एनर्जी लेवल बच्चों में फिल करने वाले हैं, देने वाले हैं, वो हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल के टीचर्स और स्टाफ ही हैं। सो किडोज फॉर देम एंड किडोज टू द हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। जी मैम, आपने वैल्यूएबल टाइम हमारे लिए स्पेयर किया, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो गुड विशेस फॉर द फ्यूचर फंक्शंस, थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, ये था दौर बैंड फंक्शंस का जो आयोजित हुए हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल विकास नगर के प्रांगण में। थीम रही अभिव्यक्ति और सच में ही एक एक प्रस्तुति अपने आप में अभिव्यक्ति थी, संस्कारों की, संस्कृति की। इस दौरान हम भारत के हर एक कोने में घूमे, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, कन्याकुमारी से लेके मणिपुर, हिमाचल भी गए, हम पंजाब भी गए। तो इसी के साथ मैं पूजा शर्मा, मैं मोनिका, अपने कैमरामैन रजत कुमार के साथ लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार। नमस्कार।